Good morning, students. Yesterday class we had done exercise 4.1 and addition, subtraction से related questions किए थे हमने कल with decimal numbers. Today we start with exercise 4.2. Question number 1 is find the product of the following. Students, product find करना है. It means हम numbers को क्या करेंगे? Decimal numbers को multiply करेंगे. यहाँ आपको गिवन है 2 and 0.07. हमें यहाँ इन दोनों नंबर्स के बिटवीन कोई साइन गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड दी प्रोडक्ट. तो स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट का फाइंड करते हैं जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. अंडरस्टूड? तो यहाँ हमें कोई साइन गिवन नहीं है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में प्रोडक्ट पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ मल्टीप्लाई 0.07 by 2. 2 से मल्टीप्लाई करना है इसे हमें. 7 2 या 2 7 14 एज इट इज आएगा 1, और 2 को 0 से करेंगे तो 0 और कैरी इज 1. 0 को 2 से किया तो भी क्या आएगा आपका 0. 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो डेसिमल के किसके पहले, जस्ट टेंस और 2 पॉइंट के पहले हमें या 2 नंबर्स के पहले हमें क्या लगाना है, डेसिमल राइट डाउन करना है. आंसर इज 0.14. कम टू द नेक्स्ट. 18 मल्टीप्लाई बाय 18 आपको गिवन है, देन 0.2. सो मल्टीप्लाई 0.2 बाय 18. किससे करना है इसे हमें? 18 से करना है. लेट अस राइट 0.218 क्रॉस. 2 8 16, 8 2 16, कैरी इज 1. 8 को 0 से किया 0 प्लस 1 एजिटीज आएगा क्रॉस. 1 2 2 और 1 को 0 से किया 0. 6 2 प्लस 1 3 and 0. 2 पॉइंट कहाँ है आपका? वन डिजिट के जस्ट पहले. तो यहाँ भी हम किसके पहले लगाएंगे? इसके पहले. तो नाउ योर आंसर इज, इसका आपका जो आंसर है दिस वन इज 3.6. यस नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई 22.1 by 4. राइट हियर 22.1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 4 4 2 8 and 4 2 8. अब यहाँ डेसिमल क्या है? द गिवन डेसिमल प्लेस विच वाज, तो हम यहाँ पर किसके पहले लगाएंगे? इस डिजिट के जस्ट पहले हमें डेसिमल पुट करना है. अंडरस्टूड? योर आंसर इज 88.4. नेक्स्ट नेक्स्ट इज 43.1 मल्टीप्लाई बाय 4. इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. 43.1 by 4. 4 1 4 3 4 12, कैरी इज 1. 4 4 16 1 17. पुट द डेसिमल साइन विच वन, तो यहाँ पे वन वाले प्लेस के जस्ट आगे करेंगे. आंसर इज 172.4. स्टूडेंट इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है यू शुड प्रैक्टिस दैट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज 3.2 मल्टीप्लाई बाय 8. यहाँ आपको 3.2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. सो राइट 3.2 बाय 8. 8 2 16, 8 3 24 और 1 25. अब देखिए यहाँ डेसिमल आपको जस्ट जो ये डिजिट है आपका इससे पहले गिवन है, ठीक है? तो हमें भी यहाँ पर
4 by 64.4 by 5. पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको. 64.4 by 5, 5 4 is 20, carries 2. 5 4 is 20 plus 22 carries 2 and 5 6 is 30 plus 2, 32. अब देखिए इधर यहाँ पे डेसिमल कहाँ आ रहा है. The given decimal is has जो डेसिमल है आपका the given decimal has one decimal place. ठीक है तो आपको यहाँ भी वन डेसिमल प्लेस पर ही इसको राइट डाउन करना है. आंसर इज 322. ओके कम टू द नेक्स्ट. यस नेक्स्ट इज अब यहाँ आपको टू डिजिट के होल नंबर से डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है. पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने वन डिजिट का नंबर था that is all. 2 8 is 16 carries 1. 2 4 is 8 plus 1 9. 2 9 is 18 carries 1. 2 3 is 6 1 7. Put cross 1 8 is 8. 1 4 is 4. 1 9 is 9. 1 3 is 3. 6 9 8 17 carries 1. 8 4 12 1 13 carries 1. 9 1 10 7 17 carries 1. 3 plus 1 4. Now, next is, अब आपको यहाँ decimal put करना है. So, the decimal given has two decimal places. कहाँ given है ये? Two decimal places के पहले given है. तो यहाँ भी two decimal places के पहले आपको decimal write down करना है. So, answer is 473.76. यहाँ भी आपको टू डेसिमल प्लेसेस के पहले गिवन है तो यहाँ भी आपको टू डेसिमल प्लेसेस के पहले ही क्या करना है. द गिवन डेसिमल हैज टू डेसिमल प्लेसेस. ठीक है तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर में डेसिमल को पुट करना है. कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अब यहाँ आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने टू डिजिट के होल नंबर को डेसिमल से मल्टीप्लाई किया था लेकिन यहाँ थ्री डिजिट का होल नंबर है और उसको हम डेसिमल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ हमें एक प्लेस और बढ़ाकर दे दिया है होल नंबर्स का. ठीक है तो इसे भी हम वैसे सॉल्व करेंगे. 0.932 मल्टीप्लाई बाय 406. लेट अस स्टार्ट. 6 2 जा 12 कैरीज 1. 6 3 जा 18 प्लस 1 19 कैरीज 1. 9 6 जा 54 प्लस 1 55 कैरीज 5. 6 को 0 से किया 0 और 5 का डी जाएगा क्रॉस. 0 मल्टीप्लाई 2 0 0 मल्टीप्लाई 3 0 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0. पुट 2 क्रॉस 4 2 8 3 8 सॉरी 4 3 12 कैरीज 1. 4 9 36 1 37 कैरीज 3. 4 को 0 से किया 0 प्लस कैरी 3. नाउ सॉल्व इट. 2 9 5 8 13 कैरीज 1. 5 to 7 by 8, then 7, then 3. अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ हमें डेसिमल पुट करना है. ठीक है डेसिमल हमें कहाँ दे रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में देखना है हमें डेसिमल हमें कहाँ गिवन है. द गिवन डेसिमल हैज थ्री डेसिमल प्लेसेस. ठीक है तो राइट हियर द गिवन डेसिमल हैज थ्री डेसिमल प्लेसेस. तो आपको यहाँ पे थ्री नंबर्स के बाद क्या करना है डेसिमल पुट करना है. ठीक है सो आंसर इज 378.392. ओके अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बुक में वो सभी आपको सॉल्व कर रहे हैं. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इवैल्यूएट. क्या इवैल्यूएट करना है. 4.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6. यहाँ पे दोनों ही नंबर हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स हमें वन नंबर डेसिमल था और वन होल नंबर था लेकिन यह थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज होगा आपका. दोनों ही नंबर कैसे हैं डेसिमल नंबर्स हैं. ठीक है तो यहाँ पर हम डेसिमल नंबर्स को क्या करेंगे वन डेसिमल नंबर को अनादर डेसिमल
पुट क्रॉस 0 को 6 से किया, 0 को 4 से किया, तब भी 0 ही आएगा, 6, 7 और 2. Now, अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों ही डेसिमल प्लेसेस को देखना है कि डेसिमल प्लेसेस डेसिमल कौन से प्लेसेस पर है यहाँ पे. तो हमें जब दोनों ही नंबर डेसिमल में गिवन है तो उनके दोनों डेसिमल को कंसीडर करते हुए हमें आंसर में डेसिमल पुट करना है. सो द गिवन डेसिमल हैज टू डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, राइट हियर द गिवन डेसिमल हैज टू डेसिमल प्लेसेस. इन दोनों को कंसिडर करेंगे हम तो हम यहां पर टू के जस्ट आगे क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे. सो दिस वन इज 2.76. हमें यहां पर दोनों ही डेसिमल को कंसिडर करना है, वन डेसिमल और 7 के बिटवीन. ठीक है, नाउ लेट अस कम नेक्स्ट इज 1.2 मल्टीप्लाई बाय 30.1. सो राइट 30.1 मल्टीप्लाई बाय 1.2. ठीक है, सॉल्व करेंगे 1 2 2 0, 3 2 6 क्रॉस 1 1 1 0, 1 3 3. नाउ 2 0 प्लस 1 1 0 6 6 और 3. यहाँ पे आपको देखना है द गिवन डेसिमल हैज टू डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, यहाँ दोनों में भी आपको डेसिमल गिवन है दोनों ही नंबर्स के साथ, तो हमें यहाँ भी किसके बिटवीन, 36 और 1 2 के बिटवीन. ठीक है, यहाँ पर 6 और 1 के बिटवीन क्या करना है, डेसिमल पुट करना है. द गिवन डेसिमल हैज places. आंसर आएगा आपका 36.12. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 100.2 मल्टीप्लाई बाय 0.02. राइट हियर 100.2 मल्टीप्लाई बाय 0.02. 2 2 4, 2 को 0 से किया 0, अगेन 0 से किया 0, 2 बन जा 2, क्रॉस 0 को 2 से किया, फिर 0, फिर 0 और 0, 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा स्टूडेंट्स. नाउ सॉल्व इट 4 0 0 2 and 0 0. अब इसके नंबर्स के आगे 0 इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, बट हमने इसको सॉल्व तो करना ही है. ठीक है, अब डेसिमल देखिए आप कितने नंबर्स के पहले आ रहे हैं. डेसिमल गिवन हैज 3 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 and 3. तो आप यहाँ भी किसके बाद लगाएंगे, 1 2 and 3, तो 2 और 0 के बिटवीन आपका डेसिमल आएगा. दी गिवन डेसिमल हैज 3 डेसिमल places so 2.004 is your answer. okay, आगे वाले जीरो को कंसिडर नहीं करना है, वो तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया इसलिए राइट डाउन किया हुआ. नाउ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यू शुड प्रैक्टिस देम. यस, योर क्वेश्चन नंबर 4 इज मल्टीप्लाई. अब देखिए यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को 10, 100, 1000 इससे मल्टीप्लाई करना है आपको इस क्वेश्चन में. तो फर्स्ट आपको गिवन है 216.72 by 10. यहाँ इस बाय को हटाना है, कौन सा साइन लगाना है, मल्टीप्लाई साइन. 216.72 मल्टीप्लाई बाय 10. 0 को 2 से किया, सभी नंबर्स से करेंगे तो 0 ही आएगा. क्रॉस 1 2 2, 1 7 7, 1 6 1 1 जा 1 2 जा 2,
नाउ आप देखिए यहाँ पर जो डेसिमल गिवन है टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, यहाँ पर किसके कौन से नंबर्स के बिटवीन दे रखा है, यहाँ पे टू डेसिमल प्लेसेस ये आपको यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ भी आपको टू डेसिमल प्लेसेस इसको यहाँ पर पुट करना है. सो आंसर इज 2167 डेसिमल 20. ओके, जब हम किसी भी नंबर को 10 से करें 100 से करें तो हमें फॉर्मेशन यही रखना है, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को हमें करेक्ट जगह पुट करना है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट इज 310.6102 बाय 100. तो यहाँ हमें सिर्फ 100 से करना है. राइट फर्स्ट 310 डेसिमल 6102 बाय 100. स्टूडेंट्स जीरो से करेंगे हम किसी भी नंबर को तो जीरो ही आएगा, पुट क्रॉस अगेन जीरो, पुट टू क्रॉस, देन वन टू जा टू जीरो एज इट इज, वन जा वन, वन सिक्स जा सिक्स जीरो, वन जा वन एंड वन थ्री जा थ्री. सॉल्व इट जीरो जीरो टू जीरो वन सिक्स जीरो वन एंड थ्री. अब देखिए इधर यहाँ आपको कितने प्लेसेस के पहले दे रखा है, ये आपको दे रखा है वन स्टैंड 100. ठीक है, तो हमें वंस वाले प्लेस के जस्ट आगे, तो यहाँ भी आप देखेंगे इसका कितने प्लेसेस के बाद है, द डेसिमल गिवन हैज फोर डेसिमल प्लेसेस, तो बैक साइड से वन टू थ्री फोर, हमें यहाँ पर स्किप बिटवीन क्या करना है, डेसिमल पुट करना है. सो राइट हियर आंसर इज 31,061 डेसिमल 0200. ओके, नाउ लिसन टू मी, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू शुड प्रैक्टिस एंड टुमारो डिस्कस अबाउट रिमाइंड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. थैंक्स अ लॉट, गुड बाय.